in the name of God, who is most bounteous and merciful. Speaker, Mr. Syed Ahmad Raza Shah, Department of Zoology, University of Education, Lahore, D.G. Khan. Today, we discuss lecture number 20, Subject Basic Algebra. Outline of this topic is definition of geometric progression. First of all, here we discuss definition of geometric progression. What is the definition of geometric progression? And second, we discuss rules for nth term of geometric progression. Second number पर हम ये देखेंगे कि rules nth term of geometric progression. अगर nth term of geometric progression आपको कहा जाए तो आपने rules उसका बनाना है कि कैसे उसका rule होगा और कैसे उससे हम value find कर सकते हैं. Third number पर है examples of geometric progression. यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. इस आउटलाइन में ये बताया गया है कि हमने यहाँ इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से यानी टॉपिक डिस्कस करने हैं. डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रूल्स फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक तो हमने यहाँ डेफिनेशन देखनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, देन डिस्कस रूल्स फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड examples of geometric progression. References. References ये होता है कि कौन कौन सी books आपने use करनी है, ठीक है, lecture देखने के लिए, ठीक है, lecture read out करने के लिए, examples, assignment वगैरह देखने के लिए. तो first है mathematics, algebra and trigonometry. First of all, आपने यह देखना है मैथमेटिक्स, अल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक है, रेकमेंडेड बुक है जो आपके गिवन सब्जेक्ट बेसिक अल्जेब्रा को फॉलो करती है. 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, आप 11 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी आपकी रेफरेंसेस बुक्स में शामिल है. सेकेंड नंबर पर फंडामेंटल ऑफ अल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये एक बुक है और ये भी आपकी रेकमेंडेड बुक है कि फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी आप फॉलो करके आप अपने गिवन टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक आपको दिए गए हैं आप इनको फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं, असाइनमेंट, ठीक है. ये फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री सवोक्सकी, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यूएस, कैंट कंपनी, बोस्टन, 1986. ये एक आपकी बुक है, इसका नेम है सवोक्सकी, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यूएस, कैंट कंपनी, बोस्टन, 1986, उसका एडिशन 1986. आप इसको भी फॉलो करके असाइनमेंट जो लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अ सीक्वेंस ए एन से सीक्वेंस पढ़ते हैं, इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इफ अगर ए एन ओवर ए एन माइनस वन, यानी सीक्वेंस इस वक्त होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जब इसे इस तरीके से डिनोट किया जाए, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरीके से होगा इफ जब उसे इस फार्मूले से शो किया जाए, ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज द सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू जी, स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन एंड एन ग्रेटर देन वन, यानी सेम नॉन जीरो नंबर होगा उस वक्त जब एन बिलोंग करता हो कैपिटल एन से एंड एन ग्रेटर देन वन, यानी एन वन से ग्रेटर हो, लेस ना हो, ये उसकी कंडीशन है. द क्वेश्चन ए की, इन द क्वेश्चन ए एन
over a n minus 1 is a quotient है, quotient कहते हैं बट्टे को, usually denoted by r, इसे denoted किया जाता है, show किया जाता है r से, and is called common ratio of geometric progression. यानी the quotient a n over a n minus 1 is usually denoted by r, इसे r से denote किया जाता है, and is called common ratio of geometric progression. वो इसे कॉमन रेशो कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की. ये थी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और उसे राइट डाउन करने का तरीका. नाउ वी डिस्कस रूल्स फॉर nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ड्रा करने का रूल. ईच टर्म after the first term is an r multiple of its preceding term, thus we have. ये rules हम draw कर रहे हैं nth term of geometric progression. अगर geometric progression की nth term आपने draw कर लिया, a की 2, इसका formula होता है a की a1 r, यानी a2 होगा तो हम यहाँ a1 लगाएंगे, a कम लगाएंगे r, इक्वल टू a1 r को हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं a1 r की पावर 2-1, क्योंकि 2-1 इज कॉल्ड 1, यानी r की पावर 2-1 r बन जाएगा. ठीक है, हम इस a1 r को इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं. इस तरीके से a3 इक्वल टू ए टू आर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ए वन होगा तो यहाँ ए ज़ीरो होगा. ठीक है, एक पावर कम होगी, ए थ्री है तो यहाँ टू है. ठीक है, टू था तो यहाँ वन था. ए थ्री इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन आर इंटू आर. ठीक है, क्योंकि ए वन आर स्क्वायर से ए वन आर स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वन आर की पावर 3-1, क्योंकि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए वन आर स्क्वायर. ठीक है, ए टू की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है जो हमारे पास थी ए वन आर. ठीक है, और एक आर जो पहले से ऑलरेडी से मौजूद था इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए वन आर स्क्वायर, और r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a1 r की पावर 3-1. ठीक है, ये हमने सेटिस्फाई कर दिए. इस तरीके से a4 इज इक्वल टू a3 r. अब हम इसे ड्रा करते हैं इक्वल टू a3 की हमारे पास जो वैल्यू है a1 r इंटू r. ठीक है, a1 r स्क्वायर, ये हमारे पास a3 की वैल्यू क्या है a1 r स्क्वायर, हमने यहाँ a1 r स्क्वायर पुट कर दिया है और इसके बाद ऑलरेडी r एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, तो हमने r से मल्टीप्लाई किया है. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे a1 r की पावर 3 बन जाएगा इक्वल टू a1 r की पावर 4-1, से हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 4-1, अप टू सो ऑन ए एन इक्वल टू ए वन और एन माइनस वन. अब हमने nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना ली है, इसे हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं विच इज द जियोमेट्रिक टर्म ऑफ जियोमेट्रिक, विच इज द जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये जनरल टर्म है ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का. नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1. Find the fifth term of the geometric progression 3, 6, 12 up to so on. Solution. अब हमने fifth term find करनी है इसकी geometric progression की. हमें 3 term दी गई हैं. हमने fifth term find करनी. Here a1 we know that a1 equal to 3, a2 equal to 6, a3 equal to 12. Therefore अब हम r फाइंड कर रहे हैं. r की वैल्यू यहाँ कैसे फाइंड की जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर a2 डिवाइडेड बाय a1. a2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 और a1 की भी गिवन है 3. 6 डिवाइडेड बाय
3 equal to 2. Using formula, अब हम formula use कर रहे हैं a की n equal to a1 or n minus 1. ये geometric progression का formula है, अभी हमने इसे draw किया है. For n equal to 5, अब n की value 5 है क्योंकि हमने यहाँ 5th term put कर ली है. We have, अब इसी formula में हम 5th term of geometric progression find करने जा रहे हैं. a5, 5 क्यों लगा है? क्योंकि n की value 5 है, n की जगह पर हमने 5 put किया है. a1 और n की जगह पर 5 put किया है, minus 1. अब हमारे पास ये equation बन गई है, a5 equal to a1 r की पावर 5 minus 1. से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, equal to, अब हमारे पास a1 की value given है, ठीक है, 3 है, dot, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 की पावर 5 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 3 डॉट 2 की पावर 4, 5 माइनस 1 बिकम 4, 2 की पावर 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48. दिस इज द fifth term of geometric progression of the given question. Now we discuss example number 2. Point AN, if a ki 4 equal to 8 by 27, a ki 7 equal to minus 64 over 729 of a geometric progression. The question hai, humne AN ki value find. Solution. To find an, we have to find a1 and r. हमने an की value find करनी है, हमें a1 और r की value यहाँ चाहिए. Here, a1 equal to 3, a2 equal to 6, a3 equal to 12. ये हमारे पास given है values, ठीक है. Therefore, अब हमने r की value find करनी है. R की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, A2 को डिवाइड करना है A1 पर, तो हमारे पास 6 by 3 equal to 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गया R. Using, अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, A की N equal to A1 R की पावर N minus 1, this is the formula. A की 4, सबसे पहले हमने A की 4 का फार्मूला है a1 r की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू a1 r की पावर 3, क्योंकि 4 माइनस 1 बिकम 3. सो से हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया था, ठीक है. a1 r की पावर 3 इक्वल टू 8 बाय 27. अब इफ a1 r 3 A4 के इक्वल है और A4 की वैल्यू हमें गिवन थी 8 by 27. ये हमने A4 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 8 by 27. This equation becomes equation number 2. And A7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 R की पावर 7 minus 1. This becomes A1 R की पावर 6. 7 minus 1 become 6. So a1 r की पावर 6 equal to minus 64 over 729. ये minus 64 over 729 कहां से आया है, क्योंकि हमारे पास a7 की वैल्यू गिवन थी minus 64 over 729. तो हमने यहां a7 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और a7 किसके इक्वल था, a1 r की पावर 6. ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई. Thus a7 over a4, अब a7 over a4 इक्वल टू minus 64 over 729, ये 7 की वैल्यू है, a4 ये a4 की वैल्यू है. अब इस तरीके से हमें वैल्यू आ जाएगी 8 by 27 और r3. इसे सिंपलीफिकेशन करने से, a7 और a4 को सिंपलीफिकेशन करने से, इसकी पीछे हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है,
और 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, 2/3 की होल पावर 3, ठीक है, क्योंकि r 3 है इसलिए 2/3 होल पावर 3। और जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2/3, इस इंप्लाइज दैट -2/3 टेकिंग ओनली रियल वैल्यू ऑफ r। अब ओनली रियल वैल्यू के लिए जब लेंगे तो इसके साथ r की जो वैल्यू बन जाएगी r 3 के हमने पीछे फाइंड किया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, पुट r 3 इक्वल टू -8/27 × 2। अब यहाँ से हमने जब r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास -8, क्योंकि माइनस का साइन है, सिंप्लीफिकेशन करने से -8/27 आएगा। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं जो हमें पीछे बनाई है इक्वेशन नंबर 2, टू ऑब्टेन इन a1 दैट इज, अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं a1 r की वैल्यू, r 3 की वैल्यू हमारे पास वैल्यू है। जब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये इक्वल टू बन जाएगा 8/27, क्योंकि a1 r 3 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है इक्वल टू 8/27। दिस इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू -1, a1 की वैल्यू हमारे पास -1 बन जाएगी, क्योंकि ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ये 8 से काट जाएगा, 27 से काट जाएगा, हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी -1। नाउ पुटिंग a1 इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू -2/3 इन 1। अब a1 की वैल्यू हमारे पास -1 आई है और r की वैल्यू हमारे पास -2/3 आई है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर वी गेट, इस तरीके से हम हासिल करेंगे जो हमारी इक्वेशन आएगी, ए एन हमने फाइंड करना था इक्वल टू -1, ए वन की जगह -1, आर की जगह हम उसकी वैल्यू -2/3 पावर उसकी एन -1 पुट कर रहे हैं। अब इस तरीके से -1, अब इसका हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, -1 की पावर एन -1, क्योंकि हमने माइनस इसकी कॉमन ले लिया इसलिए -1 कॉमन ले लिया है पावर एन -1, और ये 2/3 अब ये प्लस का हो गया है, 2/3 इसकी पावर एन -1। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वल टू -1, जब ये इक्वल टू -1 क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं, -1 इसकी बेस 1 प्लस एन -1, -1 प्लस 1 से कट जाएगा, -1 की पावर एन, ये आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा 2/3 की पावर एन -1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई है, हम आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू गिवन नहीं है, हमने यहां तक क्वेश्चन करना। असाइनमेंट आपके क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.6, यानी 6.6 में जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ठीक है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो इसके रूल्स फॉर nth प्रोग्रेशन, nth ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ड्रा करने के लिए जो रूल दिए गए हैं, एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन कंप्लीट विद एग्जांपल्स ऑफ द बुक, और इस एग्जांपल्स जो बुक में दिए गए हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.6, ठीक है, तो ये आपने करनी है, तो ये आपकी असाइनमेंट है। मैथमेटिक्स अलजबरा, और ये मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये आपकी गिवन रिकमेंडेड बुक है, इससे भी आप अपनी असाइनमेंट पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन यूज़ हो रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो यूज़ करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 6.6 के, और सीरीज फाइंड करनी है कि nth टर्म ऑफ सीरीज कैसे फाइंड की जाती है, उसका फार्मूला कैसे है, ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ये यानी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑफ द गिवन सब्जेक्ट बेसिक अलजबरा, आपका जो सब्जेक्ट बेसिक अलजबरा है उसका बेसिक ये दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो यूज़ हो रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के, ये आपने असाइनमेंट करनी है, तमाम क्वेश्चन इस किस्म के जो रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू।